हमने डिफरेंट टाइप के विजिट के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे गेटर एंड सेटर मेथड के बारे में। तो बेसिकली हम देखेंगे गेटर और सेटर मेथड होती क्या है और इनका क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एक डायलॉग बॉक्स लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स, और इसका मैं यहाँ से सोर्स कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने डिव लिया और इसको हम कॉपी करेंगे बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ स्क्रिप्ट को, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपने इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या इसमें कुछ प्रॉपर्टी अपीयर करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी अपीयर करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ टाइटल, टाइटल, और टाइटल में देता हूँ इसमें अरविंद चौधरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टाइप, बट मैं इसे डायनामिकली, अगर मैं सपोज़ कुछ और प्रॉपर्टी लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पर हम लेते हैं ड्रैगेबल, ड्रैगेबल, यहाँ पर ड्रैगेबल हम करते हैं ट्रू। देन यहाँ पर हम कुछ और रिसाइजेबल, रिसाइजेबल ट्रू। देन वेट, तो यहाँ पर हम लेते हैं वेट 300 पिक्सल। देन यहाँ पर हाइट लेते हैं, हाइट 300 पिक्सल। और देन यहाँ पर हम लेते हैं मॉडल, मॉडल फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज़ की, बट ये हमने क्या किया, ये हमने कोड में यूज़ की। बट सपोज़ मैं चाहता हूँ मैं किसी बटन के क्लिक पॉइंट पे इन चीज़ों को चेंज करूँ, डायनामिकली चेंज करूँ, तो उस कंडीशन में हमारे पास हम यूज़ करते हैं गेटर और सेटर, सेटर मेथड का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पर इस डिव के ऊपर हम एक बटन ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ बटन, और इस बटन का हम रखते हैं क्लिक मी नेम, और इस बटन की हम एक आईडी लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस बटन की एक आईडी लेंगे, और मैंने इस बटन की आईडी दी BTL। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट टैग लेंगे। यहाँ पर हमने लिया स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में हम लेंगे इस बटन के क्लिक इवेंट सेलेक्टर लेंगे। यहाँ पर मैं लूँगा डॉलर, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैश BTN, BTN एंड डॉट क्लिक। हमने लिया, सॉरी यहाँ पर हम इसको बाहर ले रहे हैं हैश BTN। BTN डॉट यहाँ पर यूज करेंगे क्लिक, और इसके अंदर हम लेंगे एनोनिमस फंक्शन, और इसमें हम बॉडी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम एक और सेलेक्टर लेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस डायलॉग को,
dialog dot, then यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हैश थोड़ा सा इसको, और शायद कुछ इसमें इशू आ रहा है, फंक्शन यहाँ पर मैं देता हूँ इसको डॉट क्लिक, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंक्शन, देन यहाँ पर हमने क्या किया इस फंक्शन को बॉडी दे दी, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर लेंगे, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे मैं यहाँ पर लूँगा, और देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डायलॉग, देन डॉट डायलॉग डायलॉग, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें मैं इसे एक्सप्लोर करता हूँ, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये गेटर एंड सेटर मेथड है, सपोज़ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेटर मेथड का, तो यहाँ पर हम लेंगे गेटर मेथड, और यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल सॉरी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगा, और वेरिएबल मैं लेता हूँ सपोज़ मैं यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, यहाँ पर हमने ले ली हाइट, देन यहाँ पर हम सेलेक्टर यूज़ करेंगे, तो बेसिकली हम सेलेक्ट किसको कर रहे हैं डायलॉग को, तो यहाँ पर हम लेंगे डायलॉग, बेसिकली हमारा सेलेक्टर क्या है डायलॉग, देन ये हमारा एज इट इज़ रहता है, देन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू गेट करना चाह रहे, तो सपोज़ यहाँ पर मैं लेता हूँ हाइट, यहाँ पर हम लेते हैं हाइट, और हम क्या करते हैं इसको एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स में व्यू करवा देते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे हाइट, अब हम क्या करते हैं मैं इसको सेव करता हूँ, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वैल्यू गेट कर रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स की हाइट का, तो यहाँ पर हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, बेसिकली अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमें अपेयर कर रहा 300 इस डायलॉग बॉक्स की हाइट है, और यहाँ पर अगर मैं विड्थ हाइट दोनों अगर चेंज, तो इसी तरह अगर हम टाइटल यहाँ पर अगर सपोज़ मैं टाइटल चेक करना चाहें तो हम यहाँ पर टाइटल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं हम देंगे यहाँ पर टाइटल, देन यहाँ पर हम देंगे टाइटल, और यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइटल को, देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमें टाइटल अपीयर होगा, तो ये हमारी गेटर मेथड कि हम वैल्यू, सिमिलरली हमारे पास इसकी सेटर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम यूज़ करेंगे सेटर मेथड, तो बेसिकली इसमें तीन पैरामीटर पास होंगे, पहला होगा सेलेक्टर, तो यहाँ पर हमने पास किया सेलेक्टर, ये हमने सेलेक्टर, देन ये एज इट इज़ रहेगा ऑप्शन, देन यहाँ पर सपोज़ मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ विड्थ पैरामीटर, और विड्थ को हम कितना रखना चाहते हैं सपोज़ यहाँ विड्थ को हम रखना चाहते हैं 600 पिक्सल, यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं, देन इसको रन करके चेक करते हैं, तो जैसे ही करेंगे आप इसकी विड्थ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और 600 हो, सिमिलरली हम
और अदर चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली गेटर मेथड है, ये हमारी गेटर मेथड है, और ये हमारी है सेटर मेथड। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू गेट कर सकते हैं और वैल्यू डायनामिकली सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।